इंदौर शहर से सटे कनाड़िया गांव में नर्मदा लाइन ना होने के कारण अब तक लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सोमवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने लगभग 3.5 करोड़ की लागत से नर्मदा पाइप लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। नर्मदा पाइप लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद सालों से जल संकट से परेशान ग्रामीणों को राहत मिलेगी। उद्घाटन के कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर और विधानसभा क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदौला भी मौजूद रहे। एक ऐतिहासिक दिन है, विकास और प्रगति में नया इतिहास कनाड़िया दर्ज करने वाला है। हमारे अपने जीवन में जो पानी का महत्व है, नर्मदा मैया सावेर चलो, उसके पहले कनाड़िया चलो। आज 3.2 करोड़ की पाइप का पूजन हमने किया। इस पाइप के माध्यम से कनाड़िया, क्योंकि कोई भी पवित्र काम करो तो गणपति की पूजन होती है, सावेर विधानसभा में कनाड़िया का एक अपना महत्व है, इसलिए अति शीघ्र नर्मदा का जल हमारे कनाड़िया वासियों को मिलेगा। और साथ ही इसके साथ आप जानते हैं 3 करोड़ के और भी काम, पुल का, शमशान घाट का, सीसी रोड का, नए खनन 6 यहाँ पर हुए हैं, सिटी बस यहाँ चल रही है। मैं कनाड़िया और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों की ओर से मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि सावेर और विकास की प्रगति में एक नया इतिहास आपके आशीष से, आपके सहयोग से हम रचने वाले हैं। और उससे ज़्यादा बधाई मैं कनाड़िया के बासिंदों को देता हूं, निवासियों को देता हूं, माँ को देता हूं, बहन को देता हूं, बेटे को देता हूं, भाई को देता हूं, रमेश जी को देता हूं, हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर जी को देता हूं, राजेश जी को देता हूं, मंडल अध्यक्ष जी को देता हूँ, और जो भारतीय जनता मधु भैया जितने भी हैं, चाहे दिलीप जी हैं, रमेश जी हों, राजेश जी हों, सुभाष जी हों, अपने संजय हो, सबको, कमल भैया कहाँ हैं, एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।